सारे श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हाँ सूबेदार कुलदीप सिंह। नावल दा अगला भाग। पर अफसोस ये नज़ारा मैं ना वेख सकिया जदों सरदार तारा सिंह ते उस दे साथी निक्के दे पुत्र सुहाबदीन दे बाहरले बूहे ते पुजे तां ओह चुकना शुरू हो गए। घर दे अंदर दाखल हो के उन्हां ने सुहाबदीन की पत्नी दे पैर छू के पैरां विच लम्मे पै गए। इन्नी देर नूं सुहाबदीन भी सरदारां बारे सुन के घर आ गया। सरदारां ने उस दे चरण छूहे ते फिर इन्नी घुट के गल वकड़ी पाई के पौनी सदी दे फासले सिमट गए। सरदार तारा सिंह ने सुहाबदीन नूं दस्या कि मैं सरदार गंडा सिंह बरकी दा पुत्र हाँ अते मेरे नाल एक मेरे चाचे दा पुत्र है अते दूजा पत्तोगी विच रहण वाले मुसलमान दा भतीजा है। सरदार तारा सिंह ने आख्या कि मेरे दादा जी ने अपनी डायरी विच बहुत सारियां यादां बंद कीतियां हन। मलक सुहाबदीन ने तारा सिंह नूं पुछया, पुत्र तू नंगे पैरी क्यों फिरदा है? सरदार तारा सिंह ने जवाब दिता, मैं सुखना सुखी सी कि जदों भी प्यो दादे दी जन्म भूमि ते जावांगा नंगे पैरी ही जावांगा। मैं नहीं चाहुंदा कि जिथे मेरे बजुर्ग टुरे सन मैं उन्हां थावां ते जुत्ती पा के टुरां। उस पवित्र धरती दी बेअदबी मैनू गवारा नहीं। मलक सुहाबदीन दे घर मेले दा समां सी। उन्हां दी खुली हवेली लोकां दी भीड़ नाल थोड़ी पै गई सी। तिल सुट्टियां भी भोएं ते नहीं सी डिगदा। गलियां बाजारां विच सिर ही सिर नज़र आउंदे सन। लोकां दे इस समुंदर विच सरदार तां किते नज़र ही नहीं सी आउंदे। लोक इदां कलावे घत के मिल रहे सन जिदां कदी मिस्र शहर विच हजरत यूसुफ नूं उसदे पिता हजरत याकूब साहिब अते उन्हां नूं देश निकाला देण वाले उसदे भरा मिले सन। सरदार तारा सिंह ने आख्या, सानू पिंड दे किसे सरपंच नाल भी मिलाया जाए। असीं उन्हां दी अगवाई हेठ अपने पिंड चक नंबर 16 बरकी जाना चाहुंदे हाँ। उस वेले भाई चौधरी मुहम्मद सादक नूं बुलाया गया। इन्हां दी थाने बहुत गलबात है, अदालतां कचहरियां विच भी बड़ी चर्चा है। इलाके दा MP अते MLA भी उसदा पानी भरदे ने, इत्थों तक कि उहदा वजीरां नाल उठना बैठना भी है। अथॉरिटी रखदा है चंगी भली मेरे पिंड दा चौधरी, जनता दी सेवा करे गली गली मेरे पिंड दा चौधरी। चौधरी मुहम्मद सादक अते मलक सुहाबदीन चाह पानी छकण मगरों सरदारां नाल गड्डी विच बह के बकरी बरकी चक नंबर 16 नूं चले गए अते बाकी पिंड वाले सरदारां दी मुहब्बत विच पैदल ही उन्हां मगर चल पए। सरदार तारा सिंह ने सब तों पहलां अपने प्यो दादे दे रकबे विचों इक सापर मिट्टी दा भरिया, उस धरती नूं चुमिया ते फिर उस मिट्टी नूं सजदा कीता जिस मिट्टी दा जिक्र कदे उसदा प्यो ते दादा जी खांदे सन अते ओह जिहदे जरियां दी इकत्रता नाल उसदा शरीर वजूद च आया सी। उस तों बाद ओह अपने बजुर्गां दे पिंड नूं रवाना हो गए तां कि अपना घर वेख सकण। ओह सारा पिंड फिरे, घर दी दस किसे ना पाई। एक तां बरकी चक नंबर 16 दे लोक महाजर रिफ्यूजी हन अते दूजा ओह रज के रुखे हन। उन्हां नूं आए गए नाल कोई खास प्रीत नहीं हुंदी। जिथों तक मैं इन्हां दा अंतरा कढ़िया है ये ना किसी की दोस्ती दे काबल हन अते ना किसी की दुश्मनी दे लायक हन। इन्हां दी यारी दोस्ती सिर्फ गरज तक हुंदी है। जे इन्हां ने किसी नूं न्याय देना होवे तां ये किसी की गल नहीं सुनदे, पर जे इन्हां ने किसी कोलों न्याय लैणा होवे तां कावां दी तरां सारा पिंड इकट्ठा हो जांदा है। मैं हमेशा कहिंदा हाँ कि चक नंबर 17 दा 10 नंबरी अते बरकियां दी मसीत दा मौलवी इक बराबर हन, सवाए मतलब तों मोह प्यार इन्हां दे लाग्यों नहीं लंघदा। पता नहीं ये दुनिया दी कीड़ी नुकरों उठ के आए ने। लै ओए निकिया, असां हुण इस जीवन विच दुबारा नहीं मिलणा। ये अखर सरदार तारा सिंह दे दादा जी सरदार गंडा सिंह बरकी ने मलक सुहाबदीन दे प्यो मुहम्मद रमजान उर्फ निक्के नूं चक नंबर 17 वाली नहर दे पुल ते भारत जाण लग्गिया आखे सन। सरदार गंडा सिंह होरां आखिया, निक्किया अज इन्नी घुट के जफ्फी पा के मरदे समय तक मैं इस गल वकड़ी नूं इंज ही महसूस करा जिदा निक्का अजे मेरे तक मेरे नाल ही है। चक नंबर 17 अते 16 विचकार एक छोटी जिही नहर है
उस नहर दे दक्खण वाले पासे चक नंबर 17 दा रकबा है अते पहाड़ वाले पासे चक नंबर 16 दियां पैलियां शुरू हो जांदियां। उत्थों दोहां पिंडां फासला लगभग बराबर है। सरदार गंडा सिंह दी जमीन नहर नालों शुरू हो के पिंडां वाले पासे नूं जांदी सी अते नहर दे दूजे पासे चक नंबर 17 वाले पासे भैलां दे सरदारां दा रकबा सी, जिन्हां बारे मैं पहलां ही बड़े वेरवे नाल लिख चुका हाँ। इस जमीन नूं मलक सहाबदीन दा पिता निक्का ठेके ते वाहुंदा सी। सरदार गंडा सिंह बरकी दे डेरे ते एक वड्डा सारा बोड़ दा रुख सी जो अजे भी खड़ा है। इस रुख थले खूह सी। निक्के दे परिवार ने काम काज तों वेले होके सरदार गंडा सिंह दे परिवार कोल बोड़ दी ठंडी छां थले जा बहना। राही जां पांदी खूह दा ठंडा पानी पी के दो घड़ियां बोड़ दी छां माण के अपने अपने पिंडां नूं रवाना हो जांदे। किसे शायर ने क्या खूब आख्या है, हन साए होर भी दरख्तां दे मिठे पर सुख नहीं बोड़ दी छां जिहा। खूह दे लहिंदे पासे पशुआं दे पीण पानी पीण वाली खुरली बनी हुई सी। जदों कदे नहर बंद हो जानी इन्हां घरां तों इलावा आले दुआले दे किसान दी इत्थे आ के अपने पशुआं नूं पानी पिलाउंदे अते गप्पां मारदे। सरदारां दा डेरा भखदा वेख के माता सर दे लब्बे मरासी ने भी आ के रंग जमाउणा साई हासल वांग उस नूं भी कुदरत ने बड़ी मिठी आवाज दित्ती सी, पर फिर भी उहदी आवाज साई हासल दा मुकाबला नहीं सी करदी। लब्बा स्कूल तां नहीं सी पढ़िया पर पंजाबी दीआं किताबां बड़ी रवानी नाल पढ़ लैंदा सी। सरदार गंडा सिंह ने हीर तों इलावा ढोल सम्मी दी वार अते सोहणे जैनी दा किस्सा उहदे कोलों बड़ी रीझ नाल सुनना। बोर्ड तों थोड़ी जिही हटवीं रुखां दी झंगी हेठ सूबे ओड ने भी भेडां दा इजड़ बिठा के जेठ हाड़ दी दुपहर कट्टण अते लब्बे दी सुरीली आवाज़ सुणन बोर्ड दी छोवें आज बहना। एक दिन लब्बे ने हीर दा ओह बैंत पढ़ना शुरू कीता जिथे उस दौर दे कैदों ने महर चूचक नूं मजबूर करके हीर नूं खेड़ियां दी डोली बिठा दिता। जदों लब्बा इस शेर ते पुज्जा एक कां ने बाज तों कूंज खोही, एक कां ने बाज तों कूंज खोही वेखां किवें ओह कुरलावद आई। सरदार काला सिंह ने लब्बे नूं हथ दे इशारे नाल अगे पढ़न तों रोक दिता ते आखण लगा इह शेर गलत है। कोल बैठे बरियाम सिंह पुछण लगा ओह किदां। सरदार गंडा सिंह बोलिया लो काला सिंहों ने तां नवीं पसूड़ी पा दित्ती जे। काला सिंह वल मूंह करके ओह फिर बोलिया अज तक तां पंजाब दे बेताज बादशाह दी किताब दे किसे शेर ते कुजां किसे हरफ ते भी किसे ने उंगल चुकण दी जुरत नहीं कीती। सरदार जी तुसां किदां आख दित्ता कि इह शेर गलत है। सारियां विच बह के गल करन दी जाच ना होवे तां चुप करके बैठी दै। बंदा एवें पगो लत्थी करवा बहिंदा है। पर सरदार काला सिंह भी किसे राज विच बोलिया सी। उन्हें अपनी गल दोहराउंदिया फिर आख्या मैं नहीं मनता कि कां बाज कोलों कूंज खो लवे जां फिर ओह बाज नहीं कोई कबूतर होना है जिहड़ा बाज दी खल पा के कूंज फड़ी ले जांदा होना है ते राह चों कां कोलों खुआ के वैण पाउण लग पिया होवेगा। मैं तां कहिंदा हां जरूर बाबे होरां नूं गलत फहमी होई होनी है वरना किथे कां ते किथे बाज। हुके दी नड़ी मूंह विच लै के निक्का उहनां दी बहस नूं बड़े ही गौर नाल सुन रिहा सी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਗੁੜ ਗੁੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿਆਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਹ ਵੇਖ ਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਟ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਕ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਂ
पर साडे देश वासियां दी कैंची अंग्रेजां दे हत्थीं दे के साडे खंभ कुतरवा दित्ते। अज असीं गुलामी दे पिंजरियां विच फड़क तां सकते हाँ, पर उड़ना शायद साडे वस चों बाहर हो गया। जे कोई उड़न दा यतन करदा भी है तां साडा कोई ना कोई भरा उन्नू पर तोलण तों पहलां ही गिरफ्तार करवा दिंदा है। बाबे वारस शाह होरां भी शायद इसे चीज़ नूं मुख रख के ये शेर लिखिया होवे। इन्नी देर नूं लागे बैठा किरपाल सिंह पैंच बोलिया, ये नाल दे पिंड कोट पैंचां वाले तों सन। छड्डो जी, किहड़े झमेले विच पै गए जे, असां तां वाही बीजी ही करनी है भावें राज कोई करे। ये गल सुन के सरदार गंडा सिंह दे चेहरे दा रंग लाल तरता हो गया, पर वह अपना गुस्सा अंदरों अंदरी पी गए। उन्होंने लब्बे नूं हथ दा इशारे नाल अगे पढ़न लई कहा। लब्बे ने अगला वाक बड़े सुर नाल चुकिया, एक जट दे खेत नूं अग लगी, एक जट दे खेत नूं अग लगी, वेखो आण के कदों बुझाउंदा आई। वाक पूरा होण तों पहलां ही सरदार गंडा सिंह फिर बोल उठिया, ये अग तां असां चिरां तों बुझा लैणी सी, पर की करिए, इस अग ते तेल पाउण वाले भी साडे ही भरा हन। उन्हां दा इशारा किरपाल वल सी। सरदार गंडा सिंह होरां दा मूड खराब वेख के लब्बा भी चुप कर गया अते आखण लगा, सरदार जी, घर वाली दी तबीयत अज जरा ठीक नहीं, तुसीं आग्या दिओ तां मैं चला जावां। सरदार गंडा सिंह ने लब्बे की गल का जवाब देने की बजाए किली ते टंगे कुड़ते की जेब च हाथ मारिया अते चांदी के 10 सिक्के कढ़ के लब्बे नूं फड़ाउंदिया आख्या, जा अपनी पत्नी की दवाई लै लई ते बच्चियां नूं लीड़ा कपड़ा भी लै देवी। लब्बे ने सरदार कोलों पैसे मंगे तो नहीं सन, पर शायद उन्होंने लब्बे का इशारा समझ लिया सी। उस समय दे 10 रुपये अज दे 50,000 दे बराबर हन। लब्बा 10 रुपये फड़ के सरदारां नूं सलाम करके असीसां दिंदा होया अपने पिंड कोट माता सर नूं चला गया। जदों लब्बे ने घर पुज के अपनी पत्नी हलीमा बीबी नूं दस्या कि अज सरदार गंडा सिंह ने 10 रुपये सानूं दान कीते हन, तां 10 रुपयां दा नां सुण के हलीमा मंजी तों उठ बैठी अते अपने पति दे हत्थां वल वेखण लग पई। लब्बे ने जेब चों पैसे कढ़ के हलीमा नूं फड़ा दिते। कोई दस सकदा है कि लब्बे दे घर उस दिन किन्नी खुशी होवेगी। उदों रुपये दी मण पक्की कणक आ जांदी सी। पैसे वेख के लब्बे दी पत्नी दी बीमारी 9-2-11 हो गई। दुनिया विच सब तों वड्डी बीमारी तां गुरबत भाव गरीबी है, जिहदा दारू करदा करदा इंसान कबर दियां वादियां तक जा पुजदा है, पर इस मर्ज तों छुटकारा नहीं जे मिलदा। उस तों अगले दिन सरदार गंडा सिंह अते मलक निक्का दोवें बोर्ड दी छावें माचे ते बैठे सन। लब्बा अज नहीं सी आया, शायद ओ अपने न्याणियां लई लीड़ा लत्ता लैण शहर गया सी। सरदार गंडा सिंह किसे डूंगी सोच विच डुब्बा सी। निक्का निम्मो झूणा जिहा होया, कदे कदे हुक्के नूं गुड़गुड़ा लैंदा, शायद उन्हां दे दिलां विच अजे तक कल वाली गल दा असर सी। इन्ने चिर नूं सूबा भी झुंगी थले भेडां बिठा के उन्हां कोल आ के दूजे मंजे ते बह गया। सूबा सियाणा बंदा सी, सूबे दा ओड जात नाल संपर्क सी। उसदा पिता मुहम्मद वहाब नूं भी लेखक ने बड़ी चंगी तरह वेख्या सी। उन्हां दा परिवार काफ़ी वड्डा सी, भेडां बकरियां पालण दे नाल नाल कंधां कोठे भी उसारदे सन। उंज तां ओड कौम पूरा वरा किसे भी थां इक थां ते टेके नहीं बहिंदी। ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਸੱਪ ਸ਼ੀਂ ਫਕੀਰ ਵਾਂਗ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਪਹਿਲੇ ਢਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 16 ਬਰਕੀ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 17 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਂਪ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਛੱਡੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਦੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਭਾਈ ਸੂਬਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ
मैं उन्हूं कदे गुआरा नहीं करता। बाबे वारस शाह होरा ने तां गल्लां दा निचोड़ कढ के रख दिता है। आ वेख बाबे होरा किन्नी डूंघाई दी गल कीती है। एक जट दे खेत नूं अग लगी, वेखां आण के कदों बुझावदाई। समझिए तां इह बड़ी वड्डी गल है, ना समझिए तां लोकां दे रब दे पैगंबर नूं चुठला दिता सी। 1947 ईस्वी दा हाड़ अद्धों लंघ चलिया सी। आखरी दिनां नूं सौण दी पख लग चुकी सी। सरदार गंडा सिंह बरकी, बाबा सूबा, मलक निक्का, लब्बा अते होर कई आले दुआले दे जट जिमीदार बोड़ थले महफल लाई बैठे सन। सरदार गंडा सिंह कुछ परेशान दिसदा सी। मलक निक्के ने पुछया, सरदार जी अज सुख तां है? सरदार गंडा सिंह ने आख्या, निक्किया सुख की होना है? साडे देश दे आगू हथ विदेशी आगू हथां नाल जिहड़ी बाजी खेडण तुरे हन, उस दा नुकसान वेख वेख के दिल नूं हौल पैंदे ने। कोई पता नहीं इस बाजी विच किन्ने की हार जाणा है। वारस शाह ने खौरे किहड़े खेत नूं अग लगी वेखी सी, पर जिस अग नूं मेरियां अखां वेख रहियां हन निक्किया, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੱਝਣੀ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਲੱਭਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਤ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ, ਲੱਭਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਭਾ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੁੱਜਾ, ਤੇਰੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਠੰਡੜੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਬਹਿ ਚੱਲੇ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੀਏ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਓਏ ਗਾਇਕਾਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬੋੜ ਦੀ ਠੰਡੜੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਖ। ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਆ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਆਂ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਂਝ ਅੱਜ ਜਰਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ। ਰਹੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਚੰਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਮ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜਨ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਧਾਰੇ ਜੇ? ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਣਾ ਢੱਠੇ ਕੂਚ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੌਫ ਜਦਾ ਸਨ। ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਉੱਠੀ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਬੋੜ ਦੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖੜਖੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਵੱਜ ਉੱਠੇ ਹੋਣ। ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਣੀ ਭੁਏ ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬੱਦਲ ਵਰਸ ਕੇ ਥੰਮ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਛੜੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਭਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਟਲੇ ਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੂਹਿਓਂ ਬਾਹਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਛਕਦਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਰਕਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁਣ ਉਂਝ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੱਖਾ ਸਿਆਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।
उस समय सारियां दियां अखां विच हंझू लिशक रहे सन, पर सारे ही एक दूजे तो लुकाउण खातर एक दूजे नाल अखां मिलाउण तो कन्नी कतरा रहे सन। 16 अगस्त 1947 ईस्वी नूं जदों चक नंबर 16 बरकी दा जथा भारत जाण लई चक नंबर 17 वाली नहर ते पुज्जा, उत्थे मलक निक्के तो इलावा चक नंबर 17 दे लोक वड्डी गिणती विच मौजूद सन। सरदार गंडा सिंह की अगवाई हेठ यह जत्था कुछ देर लई पुल ते रुकिया, एक दूजे नूं गल वकड़ियां पा के कदी ना मिलन लई विछड़ गए। सरदार गंडा सिंह ने मलक निक्के नाल इन्नी घुट के जफ्फी पाई कि उसका असर तीजी पीढ़ी तक महकदा रहा। उसे जफ्फी की कसक 63 वरिया बाद सरदार गंडा सिंह के पोतरे सरदार तारा सिंह नूं खिच के अपने पिता की जन्मभूमि ते लै आई सी। सरदार गंडा सिंह के मूहों निकली गल पत्थर ते लकीर हो गई। निका पाकिस्तान बने तो कुछ चिर बाद देश ते दुनिया तो चलाना कर गया। उस दे पुत्र मलक सहाबद्दीन दे कहन मुताबक सरदार गंडा सिंह दे भारत चले जाण मगरों मलक निक्के ने चुप वट ली। वह कई बार बोड़ दे रुख थले जा के दूर दूर तक झाकदा, पर सरदार गंडा सिंह दा कोई अता पता ना मिलदा। वह थक हार के फिर वापस आ जांदा अते भुख नाल रस्से तुड़वाउंदे पशुआं नूं पठा नीरा पा के फिर नहर दे पुल ते खड़ा हो के आउंदे जांदे राइयां दे चेहरियां चों गंडा सिंह दी सूरत भालदा। पर गंडा सिंह तां अखों कोहां दूर दूजे देश दा वासी बन चुका सी। हुण मलक निक्का पाकिस्तानी अते गंडा सिंह भारती शहरी सन। हुण उहनां नूं मिलण लई दोहां सरकारां कोलों इजाजत लैणी पैणी सी। यह इजाजत भी सिर्फ अंगा साकां नूं मिलदी है, इहदे सामने इंसानी की कोई कदर जां कीमत नहीं। सरदार गंडा सिंह अते मलक निक्के जिहे करोड़ां मनुख एक दूजे नूं मिलण दी इच्छावां लै के परलोक सधार गए। सरदार गंडा सिंह होरां दा संपर्क लाहौर नेड़े पिंड बरकी हडियारे नाल सी। जदों मुंडेकी पिंड नूं दरिया ब्यास ने ढा लाई तां उस पिंड की सारी वसों खिलर गई अते उस पिंड चों दरिया दे कंढे दे नाल नाल कई छोटे छोटे पिंड आबाद हो गए। हर पिंड ने अपना नां तां वक्खो वक्ख रख लिया, पर अज भी ये सारे पिंड सरकारी पन्निया च रख मुंडेकी नां दे नाल ही लिखे पढ़े जांदे सन। जदों ये रकबा आबाद होया तां बरकी हडियारे दे सिखां ने भी इत्थे कुछ रकबा खरीद लिया। उन्होंने इस पिंड का नां अपने पिछले पिंड बरकी दे नां ते रखिया, पर बाद विच अंग्रेजां ने इस दा नां चक नंबर 16 रख दिता। जमाने बीत गए पर अज भी ये बरकी दे नां नाल ही मशहूर है। मलक निक्के दा परिवार शुरू तो ही इत्थों दा रहण वाला सी। गवांडी होण करके इन्हां दा आपसी प्यार इस गल दा मूंह बोलदा सबूत है कि सरदार गंडा सिंह बरकी दा पोतरा 63 वरिया बाद भी उस प्यार नूं ना भुलिया अते अपने दादे दी लिखत नूं पढ़ के साडे पिंड दीयां गलियां नूं रौनक बख्श गया। इस लई तां कहिंदे हन प्यार कदे नहीं मरदा। प्यार दी मिसाल एदां ही है जिद्दां कोई बीज धरती च प्या रहिंदा, तूफानां दीयां मुसीबतां बर्दाश्त करदा है, धुप दीयां सख्तियां सहिंदा है, सख्त सर्दी दीयां तकलीफां झलदा है, मौसमां दीयां तंगियां तों बेपरवाह हो के ऐन अपने वक्त ते फुट पैंदा है अते वेखदियां ही वेखदियां एक बिरश दा रूप धार लैंदा है। मलक सहाबद्दीन दसदा है कि देश दी वंड समय वह 8-9 वरिया दा सी। पिंड विच उन्हां दा शरीके बाजी च कोई ना कोई टीचर चलदी रहिंदी सी। सरदार गंडा सिंह हर औखी घड़ी विच उन्हां दे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ा हुंदा सी। उन्हां ने किसी भी मैदान विच निक्के दे कंड नहीं लगन दित्ती अते मलक निक्का भी हमेशा सरदार गंडा सिंह दी सजी बांह बन के रहा। वंड दी काली बोली हनेरी ने प्यार करन वालियां च अमिणवियां विथां तां पा दित्तियां, पर उन्हां दे दिलां विचों प्यार दी बिरश नूं ना हिला सकी। उस सांझ दी खुशबू अज भी फिजावां विच मौजूद है। वह खुशबू साडे आले दुआले दी हर शै विच रची है, पर उसनू केवल महसूस किया जा सकता है अते महसूस करने लई समाइलिंग हिस दी लोड़ है।
ਸਾਡਾ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਲਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਬਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਮਨੋਹਰ ਹੈ ਪਟਕਿਆ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਮੋਹਰ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮਨੋਹਰ। ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਗਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਲਈ ਤਾਰਾ ਮਨੋਹਰ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮਨੋਹਰ। ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਤਾਰਾ ਮਨੋਹਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਲਫਤ ਘਨੇਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਲਈ ਕਰੇ ਚਾਰਾ ਮਨੋਹਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜੀਨਤ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਗਰ ਪਾਰਾ ਮਨੋਹਰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਲੋੜ ਪੂਰੀ, ਮੁਫਲਸਾਂ ਬੇਕਸਾਂ ਦਾ ਯਾਰਾ ਮਨੋਹਰ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਾਇਮ, ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਾਇਮ, ਆਫਤਾਬ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕਾਇਮ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂ, ਆਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੱਥ ਫੜ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਦਿਆ ਹੋਕਾ, ਆਓ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਢੇਲਿਓਂ ਖਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਨਾ ਕਸ਼ਟ ਤਪੱਸਿਆ ਕੋਈ, ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਲਿਓਂ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਹੂ ਦੀ ਰਮਜ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਦੋਹੜੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜੀਬ ਲੁਕੀ, ਐਸ ਤਹਿਜੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੰਨ ਵਾਂਗ ਚਮਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਥ ਮੇਰਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਨਸਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਾਂ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਔਂਤਰ ਜਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦੇਵਾਂ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਾਰੇ, ਲੈਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ ਕਦੀ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂ। ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਕਲਮ ਕੋਈ ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਜਰੇ ਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੱਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾ ਬੈਠੇ। ਦਿਰਬਲ ਵਾਂਗ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ, ਰੰਨ ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਨਾਲ ਨੀਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਬੈਠੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾ ਬੈਠੇ। ਬਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ, ਵੈਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਵੋਵਲ ਕੋਈ ਕਾਨਸੋਨੈਂਟ, ਕਿਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਈ, ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਏਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਬੈਠੇ, ਰੰਨ ਲੱਭੀ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋਗ ਆਈ, ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਬੈਠੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਆਫਤਾਬ ਮੂਰਖ ਪੱਗ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਹਾ ਬੈਠੇ, ਆਫਤਾਬ ਮੂਰਖ ਪੱਗ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਹਾ ਬੈਠੇ।